बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर यानी TEE पर। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 18 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे और आज हम 19वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़िए और अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए बजट चार्ट, ऑप्शन बी प्रक्रिया चार्ट, ऑप्शन सी फ्लो चार्ट या फिर ऑप्शन डी परिचालन चार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, बजट चार्ट। ये क्या है, ये कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है, कार्य सरलीकरण से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, .. कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए अनाड़ीपन, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी अक्षमता या फिर ऑप्शन डी बेवकूफ़ी। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वो क्या है, कौशल कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह, ये सभी प्रकार हैं। ऑप्शन ए एकल विवाह के, ऑप्शन बी प्रायोगिक विवाह के, ऑप्शन सी बहुविवाह के या फिर ऑप्शन डी समझौता विवाह के। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये किसके हैं, तो ये बहुविवाह के उदाहरण है। ठीक है, किसके हैं, बहुविवाह के उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम के टाइम पे इनको रिवाइज कर सकें। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो हमें बुक से भी डिटेल से पढ़ सकते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा तो हम क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाएंगे, तो इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्राइसेम योजना में लक्षित समूह है, ऑप्शन ए शहरी महिलाएं, ऑप्शन बी ग्रामीण युवा, ऑप्शन सी शहरी युवा या फिर ऑप्शन डी गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण युवा एवं महिलाएं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ट्राइसेम योजना में लक्षित समूह कौन सा है, तो वो ग्रामीण युवा है। ठीक है, कौन सा है, ग्रामीण युवा है। ठीक है, और जो ट्राइसेम योजना है इसे क्या कहते हैं, इसे हम जवाहर रोजगार योजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसी जवाहर रोजगार योजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, ट्राइसेम योजना को हम जवाहर रोजगार योजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये कब चलाई गई थी, तो ये 2 अक्टूबर 1991 से 92 में प्रारंभ की गई थी। कब, 2 अक्टूबर 1991 से 92 तक प्रारंभ की गई। ठीक है, ये आपको याद करना चाहें तो नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नोट ही कर लीजिए, क्योंकि कॉपी में लिखा हुआ रहेगा तो हमें याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय मानक संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1959 या फिर ऑप्शन डी 1947। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कब हुई थी, 1947 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, ये 1947 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है। ऑप्शन ए वास्तविक प्रत्यक्ष आय, ऑप्शन बी वास्तविक अप्रत्यक्ष आय, ऑप्शन सी धन आय या फिर ऑप्शन डी आत्मिक आय। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किसका उदाहरण है, तो वास्तविक प्रत्यक्ष आय का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा, वास्तविक प्रत्यक्ष आय का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, SARS को विस्तारित करें, मतलब SARS की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए सिस्टेमैस्टिकस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन बी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन सी सीवियर एक्सलेरेटिंग रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या फिर ऑप्शन डी स्लो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, बी, इसे क्या है, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स क्लास को जल्दी लाइक करिए और शेयर भी करिए, ताकि और लोग भी हमारी क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है। ऑप्शन ए जलाकर, ऑप्शन बी जल प्रवाह में डालकर,
ऑप्शन सी खाद बनाना या फिर ऑप्शन डी भराव करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या करें अगर हम कूड़े करकट से खाद बनाने के लिए प्रयोग कर लें तो क्या होगा, ये हमारी विसर्जन की सबसे उत्तम विधि होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है। ऑप्शन ए दैनिक सफाई, ऑप्शन बी साप्ताहिक सफाई, ऑप्शन सी मासिक सफाई, ऑप्शन डी वार्षिक सफाई। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वो क्या है दैनिक सफाई, क्योंकि अगर हम डेली घर की साफ सफाई करेंगे तो क्या होगा, इससे हमारा घर अच्छा भी लगेगा और गंदगी भी नहीं होगी। ठीक है, और हमें ज़्यादा सफाई, क्योंकि अगर डेली हम करते रहेंगे तो हमें सफाई ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि डेली करेंगे तो इतना कूड़ा करकट ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें घर की दैनिक सफाई करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, इस पुस्तक के लेखक का नाम चुने, पुस्तक कौन सी है, तो मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन ए हैरिट गोल्डस्टीन एवं बीटा गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी लॉगबर्थी, ऑप्शन सी निकिल एंड डॉर्सी, या फिर ऑप्शन डी ग्रास एंड कैंडल। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये किसकी है, तो ये निकिल एंड डॉर्सी की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी पारिवारिक संसाधन, ऑप्शन सी मूल्य, या फिर ऑप्शन डी योजना। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, योजना जो है वो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, कपड़ा धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए। ऑप्शन ए 160 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर, एक ऑप्शन बी है 190 डिग्री तापक्रम, ऑप्शन सी 200 डिग्री तापक्रम, या फिर ऑप्शन डी 150 डिग्री तापक्रम। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूती कपड़ा कितने पर धोना चाहिए, तो वो 160 डिग्री तापक्रम पर धोना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्हें आप लोग नोट भी करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि नोट करने से क्या होगा, हमें बाद में हम उन्हें देख भी सकते हैं, याद कर सकते हैं, ऐसे तो हम अभी पढ़ रहे हैं तो बाद में भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, किसके लिए परिधान रचना में रंग रेखा आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति स्तरीकरण तथा विकिरण का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी लय, ऑप्शन सी समानुपात, या फिर ऑप्शन डी अनुरूपता। तो क्वेश्चन नंबर 73 का हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वो क्या है लय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए प्रातः, ऑप्शन बी दोपहर बाद, ऑप्शन सी शाम, या फिर ऑप्शन डी रात्रि। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन कौन सा बी सही हो जाएगा, कपड़ों की खरीदारी में दोपहर के बाद करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चेस्ट सिस्टम, ऑप्शन बी डायरेक्ट सिस्टम, ऑप्शन सी चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसमें कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, चेस्ट सिस्टम की विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ डॉट डॉट के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए जामदानी, ऑप्शन बी चंदेरी, ऑप्शन सी बालूचर, या फिर ऑप्शन डी बूटियाँ। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसे हम जामदानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं है। ऑप्शन ए कसूती कर्नाटक, बी मोती भारत दिल्ली, सी है कच्छ गुजरात, और डी है मुर्री लखनऊ। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोती भारत दिल्ली, ये सही नहीं है। तो ये कहाँ की है, ये राजस्थान की है। ठीक है, कहाँ की है ये मोती भारत, राजस्थान की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी पटना। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बनारस जो है वो जरी कढ़ाई के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 79 है, अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी लेई, ऑप्शन सी है मोम और ऑप्शन डी गोंद। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लेई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, परिसज्जा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए आकर्षक बनाना, ऑप्शन बी आसानी से धोना, ऑप्शन सी आसानी से सुखाना या फिर ऑप्शन डी आसानी से मलना। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परिसज्जा का उद्देश्य क्या है, आकर्षक बनाना। हम किसी चीज़ को सजाते हैं ताकि वो क्या हो, दिखने में अच्छी लगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, क्रेविंग एक फिनिश है, इसके लिए क्रेविंग जो फिनिश है वो किसके लिए है। ऑप्शन ए सूती, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी ऊनी, ऑप्शन डी नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये किसके लिए है, तो ये सिल्क के लिए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, इंटरलैकिंग धागों के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार डॉट डॉट का नाम रखा जाता है। ऑप्शन ए धागे, ऑप्शन बी रेशे, ऑप्शन सी वस्त्र या फिर ऑप्शन डी बुनाई। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, किसका नाम रखा जाता है, तो वो बुनाई का नाम रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र है। ऑप्शन ए लाइसिल, ऑप्शन बी स्पेंडेक्स, ऑप्शन सी नोमैक्स या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्पेंडेक्स जो क्या है वो अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टास है सेल्युलोजिक तंतु, ऑप्शन बी मिनरल तंतु, ऑप्शन सी संश्लेषित तंतु या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन तंतु। तो जो एस्बेस्टास है, एस्बेस्टास कैसा है, तो वो मिनरल तंतु है। ठीक है, कैसा है, ये मिनरल तंतु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स क्लास को लाइक और शेयर कीजिए जल्दी जल्दी, ताकि और लोग भी हमारे साथ क्लास में जुड़ सकें। ठीक है, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है। ऑप्शन ए अंडा, ऑप्शन बी डिम्बक, ऑप्शन सी प्यूपा, ऑप्शन डी पूर्ण कीट। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्या है, प्यूपा, प्यूपा है। ठीक है, कौन सा, अब कौन सी अवस्था है, तो वो प्यूपा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, फ्लैक्स के पौधे के लिए डॉट डॉट प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी तने, ऑप्शन सी पौधा या फिर ऑप्शन डी लिलेन। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कौन से पौधे के लिए, तो वो लिलेन के पौधे के लिए की जाती है। ठीक है, किसके लिए, लिलेन के लिए की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, मिलावट निरोधक अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1960 या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कब हुई थी, तो मिलावट निरोधक अधिनियम की शुरुआत 1954 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1954 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है, मूंग दाल, बेसन, चना जैसी दालों के लिए अपमिश्रक के रूप में इनमें से क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए मसले हुए आलू, ऑप्शन बी मैटेनिल येलो, ऑप्शन सी लेड क्रोमेट, ऑप्शन डी केसरी दाल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मसले हुए आलू का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है। ऑप्शन ए रासायनिक विधि, ऑप्शन बी भौतिक विधि, ऑप्शन सी विकिरण विधि या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विकिरण विधि है वो है जो है सबसे अधिक वैज्ञानिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है, ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितना कैलोरी देना चाहिए। ऑप्शन ए 3000, ऑप्शन बी 2700, ऑप्शन सी 2500 या फिर ऑप्शन डी 2000। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसे हम कितनी 2700 कैलोरी देनी चाहिए। ठीक है, कितनी 2700 कैलोरी देनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न सोडियम युक्त आहार की संस्तुति की जाती है। ऑप्शन ए मधुमेह के रोगी को, ऑप्शन बी उच्च रक्तचाप के रोगी को,
ऑप्शन सी है कब्ज के रोगी को, या फिर ऑप्शन डी पीलिया के रोगी को। तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कब निम्न सोडियम युक्त आहार उच्च रक्तचाप के रोगी की आहार में संतुष्टि की जाती है, ठीक है, कितनी कब की जाती है उच्च रक्तचाप के रोगी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में से कौन सी बीमारी ओरल फीकल रूट से फैलती है। ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी ट्रेकोमा, ऑप्शन सी मियादी बुखार, या फिर ऑप्शन डी टीनियसिस। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो मियादी बुखार है वो ओरल फीकल रूट से फैलता है, ठीक है, किससे, ओरल लोकल ओरल फीकल रूट से फैलता है, ठीक है, कौन सा, मियादी बुखार। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है, यहाँ पर सूची दी हुई है उनको, क्या है, एक तरफ बीमारी एक तरफ उनके लक्षण दिए हुए हैं, तो उनको उनसे इनसे मिलान करना है, ठीक है। चलिए इन्हें देख लेते हैं, बीमारी कौन सी है, पहली डायबिटीज या मधुमेह, बी है एंथ्रोस्क्लेरोसिस, सी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और डी है सिरोसिस मतलब जिगर का रोग। इधर लक्षण दिए हुए हैं, मूत्र में प्रोटीन, दूसरा रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल, तीसरा है मूत्र में ग्लूकोज, और चौथा है जलोदर। तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कौन सा, ए सही हो जाएगा, ठीक है, डायबिटीज मूत्र में प्रोटीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, ठीक है। हम आप लोगों को अभी आगे क्या है, मॉडल पेपर भी कराएंगे और लास्ट में मैराथन भी कराएंगे, ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।